और हमारे यहाँ पे खुदाई हो रही है। खुदाई होते हुए हमें यहाँ पे इतनी सारी हड्डी मिल रही है, इतना यहाँ पे, और भैया के हाथों में भी अब ये नहीं पता चल रहा है ये किस चीज की हड्डी है। तो यहाँ पे आए मिस्त्री जी। तुम्हारा भी ही आलू हुआ है, इसमें से होता है जिससे बीपी की प्रॉब्लम ठीक होती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जब पोस्ट डालते हैं तो ऐसे पूरा। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुष्मिता और आप सभी का स्वागत है दार्जिलिंग के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गुड मॉर्निंग सिमी, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। मम्मी का उठते ही काम स्टार्ट हो गया है। मम्मी बना रही है अभी फूलों की लेखाद, क्योंकि कल मैं लेके आई थी ये वाली फूल के बल्ब, अभी मम्मी को लगाना है। तो आज बना रही है दीदी डोसा, और बहुत टेस्टी। हम तो खा चुके हैं। मैंने दो डोसा खाया। मम्मी कैसे बनी है? बहुत टेस्टी है ना। और मैं अभी जा रही हूँ ऊपर बारी में, क्योंकि पापा और मम्मी वहाँ पे कर रहे हैं काम, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ी सी उनको हेल्प करने के लिए। और ये दो जने नाच के दिखा रहे हैं। सुहाना भी और यहाँ पे जो हमने धनिया उगाया था, हमने तो नहीं, पापा ने जो धनिया उगाया था वो अब इतना हो चुका है। पापा ने इतना खून दिया है और अभी भी खुनाई कर रहे है। अभी आज यहाँ पे उगाना है हमें मकई, और इसको बोलते है हाथे काटा, ठारे काटा और हाथे काटा। और मम्मी खून रही है आज आलू, क्योंकि पूरा आलू खुनने के बाद फिर हमें यहाँ पे मकई उगाना होगा। तो कितना आलू है, और इसको भी बोलते हैं हाथे काटा। मम्मी की हेल्प कर दो, देख लो बा ठुलठुला निकले था। और मम्मी साथ साथ में झैस भी निकाल रही है, निकाल के फेंक रही है। और हमारे यहाँ पे फूल गोभी भी हो गई है ये। और पापा ने यहाँ पे उगा दिया है काकरा, हमारे में काकरा बोलते हैं, उधर में खीरा, जो हमारी पहाड़ी खीरा होता है उसको। ब्रोकली तो वैसे अभी बहुत अच्छा हो रखा है, अब देखते हैं इसमें फूल कैसा लगता है। अभी तो शुरू तो हो गए फूल आना, पर अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जो बारी का काम है वो मम्मी पापा करेंगे, क्योंकि मुझे हो रखा है फीवर, तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और बड़े पापा के यहाँ पे भी इतना काम हो चुका है, सब लगे हैं अपने अपने कामों में। तो अभी बारी पे मम्मी पापा काम कर रहे हैं, तो मैं आई हूँ दुकान पे बैठने के लिए। और आज हमारे गांव में पूरे हर जगह पे पिकनिक चल रही है, क्योंकि जो भी टी गार्डन पे काम करते हैं उनको आज पिकनिक के लिए, मतलब साल में एक बार पिकनिक मनाते हैं पूरा गांव वाले, जितने भी जो भी टी गार्डन में जाते हैं, तो उन सब की पिकनिक चल रही है। एक पिकनिक का ग्रुप यहाँ पे मना रहे हैं, एक नीचे रोड पे, एक यहाँ पे, तो ऐसे जगह जगह पे जितने भी अपने अपने ग्रुप है सब लोग पिकनिक मना रहे हैं आज। तो सामने से दो भाभी और दीदी आ रही है पिकनिक खेल के, और साथ में बर्तन भी लेके, पूरा बर्तन उठा के पिकनिक से। पिकनिक खेलने में तो मजा आता है, पर बर्तन धोने में क्या ऊंचा, सबसे मुश्किल है। और हमारी दुकान में आई है बकरा, ये फूल को देख के आई है खाने के लिए। के हाथ में गोरा, किसी के हाथ में काला, कौन सा पिकनिक दामी मजा आयो। तो अब हम सबने लंच कर लिया है, और लंच करके पापा और मम्मी दोबारा से जा चुके हैं बारी में। तो मम्मी पापा ने ये पूरा खुनाई तो कर दिया है, अब मम्मी जा रही है मकई उगाने के लिए। और जो ये मकई उगा रहे ये हाइब्रिड है, नहीं तो पहले क्या करते थे मुंह में रखते थे फिर एक एक डालते थे, पर ये हाइब्रिड है तो इसलिए। पापा को अभी उगाना है ये सारे अलग अलग तरीके की बीन्स है इन सब, और जितने भी बीन्स और ये मकई है ये होगा मई और जून या जुलाई में। तो मैं अब फिर से जा रही हूँ दुकान पे, सिमी तो पहले ही जा चुकी है, पर मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा फीवर है ना, तो मुझे ना घर पे बैठने का मन नहीं कर रहा,
क्योंकि मैं बैठूंगी या लेटूंगी तो फिर और ज्यादा तबीयत खराब होगा, तो सोचा जाके दुकान पे बैठ जाते। तो यहाँ पे आए मिस्त्री जी जो कि अभी बता रहे, चेक कर रहे कि कितना लगेगा, क्या लगेगा। तो आप पहुंचे हैं पापा बारी में काम करके, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे दुकान से घर की ओर, मैं और सिमी। तो इस बार हमारे यहाँ पे ये एक ढाकी ही आलू हुआ है, इसमें से कुछ तो हमने दे दिए हैं। तो आज की वीडियो मेरी स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3 बजे से, और मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। 3-4 दिन से मुझे फीवर है, तो सोचा थोड़ा नहा लूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब फीवर वगैरह हो तो नहाने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं कि अगर हम ठंड में नहाएंगे तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम सुबह में तो पूरा बंद था, पूरा ही धुंध पूरा बंद हो रखा था, बट अभी दोपहर में अच्छे से क्योंकि हवा चल रही है तो मौसम खुल गया है और काले काले बादल है। रात को बारिश हुई थी तो अभी वेदर ठीक है, इस टाइम हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और आज से हमारे नीचे दुकान पे भी मिस्त्री लोग आ गए हैं काम करने के लिए, वो लोग सुबह से काम कर रहे हैं, और साथ ही में जो बड़े पापा के घर पे जो काम चल रहा है वो भी हो रहे और मेरे भैया एकदम मुंह छुपा रहे बोरे से, और साथ ही में मेरी मम्मी ईंट उठा के आ रही है। मम्मी है, भाभी है, कंप्लीट। ओ मम्मियों का ये लास्ट भारी था, मम्मियों का काम कंप्लीट हो गया, अब ईंटें उठाने का काम खत्म। यहाँ पे जो ये जो मैंने बताया था, एक बार वीडियो दिखाया था कि चूहा का फूल, तो अब वो फूल हो चुका है। और जो ये फूल है ये ऐसा होता है, इसी फूल को निकाल के फिर इसकी सब्जी खाया जाता है जिससे बीपी की प्रॉब्लम ठीक होती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। नीचे जा ही रही थी, बोला चाय लेके आओ, तो अब मैं लेके जा रही हूँ चाय, जो हमारे यहाँ पे काम कर रही मिस्त्री उनके लिए। मेरी दोनों भाभियाँ इतनी मेहनत करती है, सुबह से ईंटें उठा रही थी अब फिर दोबारा से बालू उठाने के लिए आ रही है। ज्यादा काम मत करो, आज पूरा दिन दुकान पे बैठने का काम था सिमी का, और सिमी साथ में ही काम देख भी रही है। जो हमारे हेड मिस्त्री है वो अभी लेबर हो रहा है वो सारा काम, चाचू साहब मेरे चाटे दे बोले बालवा गिरा दिया। अब करना है यहाँ पे प्लम, तो प्लम करने की तैयारियां चल रही है। अब उतार रहे पहले दुकान के सामान। और अभी टाइम हो रहा है 5:45, तो अभी तक भी भैया लोग काम कर रहे हैं। काती बच्चा ना, कम से कम इसको करने में 7 या 8 तो बजी जाएंगे। जब पोस्ट डालते हैं तो ऐसे पूरा प्रसाद वगैरह बना के ऐसे करके पूजा करते हैं। तो अभी अंधेरा हो गया है और काम भी कंप्लीट होने वाला है। तो फाइनली अनलोड हो चुका है सारे गिट्टी का, और कम से कम 2 घंटे लग गए इसको अनलोड करने में।